बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं ऑटो केयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें आपको बताए जाएंगे डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर्स। चंद दिन पहले भी हम लोगों ने एक इंडिकेटर्स की वीडियो बनाई थी जो आप लोगों ने बहुत पसंद की थी, तो आज कोई नए डिज़ाइन के इंडिकेटर आए हैं। एक दो इसमें पुराने डिज़ाइन भी हैं जो आप ऑलरेडी हमारे चैनल पर देख चुके हैं, लेकिन एक रिफ्रेशर के तौर पर आपको बताए जाएंगे। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला इंडिकेटर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ट्रेडिशनल इंडिकेटर से थोड़ा सा डिफरेंट है और ये आता है राउंड में। साइड से आप देखें तो ये चपटा होता है और फ्रंट और बैक से देखें तो राउंड में आता है। और ये DRL वाला इंडिकेटर है जिसमें DRL जो होता है वो स्टिल होता है और इसमें एरोज के शक्ल में आपके इंडिकेटर्स होते हैं। तीन एरोज होते हैं जो रनिंग इंडिकेटर होते हैं। बैक साइड की अगर बात की जाए तो इसके पीछे जैसे एक किसी ढांचे का हाथ नहीं होता, एक हाथ का निशान है, स्कल का हाथ होता है जैसे। और फिर उसके बाद आप इसकी अगर यहाँ से बेस देख लें तो बेस इसकी लचकदार है कि खुदा ना खास्ता कहीं पे टक्कर भी जाते हैं, क्योंकि साइज में थोड़े से बड़े हैं तो छोटी मोटी जगह पे टक्कर भी जाएँ तो ये टूटने वाले नहीं हैं। अच्छी खासी इसके अंदर लचक होती है। मेड ऑफ प्लास्टिक है लेकिन प्लास्टिक जो है नॉर्मल नहीं है, हाई क्वालिटी प्लास्टिक मटेरियल है। तो इसको अभी हम लोग चला के देखते हैं। पेयर की सूरत में आते हैं, दो ओ होते हैं और बैक साइड में आपको दिखाता चलूँ दोनों की ऐसे होती है। तो चलिए अब इनको चला के देखते हैं कि ये वर्क कैसे करते हैं। चलिए तो अब इन इंडिकेटर्स को हम ऑन करते हैं। सबसे पहले इनका DRL लगाते हैं। तो DRL इनका वाइट कलर में है और DRL एक राउंड सर्कल की सूरत में होता है, हर तरफ LEDs लगी हुई होती हैं। और इसके बाद हम इसका इंडिकेटर ऑन करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें तीन एरोज़ बने हुए हैं और तीनों जो हैं रनिंग स्टाइल में, ओडी स्टाइल में ये इंडिकेटर्स जलते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। अभी हम लोग DRL और इंडिकेटर्स दोनों को इकट्ठा ऑन करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से चलेंगे, तो बिल्कुल एक डिफरेंट लुक दे देते हैं आपके बाइक को। और अगर प्राइस की बात की जाए तो ये इंडिकेटर्स आपको अवेलेबल होंगे 850 रुपीज़ का पेयर है, 850 रुपये की जोड़ी है और डिलीवरी जो है पूरे पाकिस्तान में आपको अवेलेबल होगी। आज के नेक्स्ट इंडिकेटर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी DRL इंडिकेटर हैं और ये साइज़ में थोड़े से उनकी नस्बत लंबे होते हैं, वो राउंड थे और ये आपको मिल जाएंगे लेंथ वाइज लंबे इंडिकेटर मिल जाएंगे और बड़े स्पेशल किस्म के इंडिकेटर हैं। इसमें डबल DRL है, एक ऊपर वाली साइड है एक नीचे वाली साइड है और दरमियान में जो इंडिकेटर है वो भी रनिंग में है। और इसकी बैक साइड आप देख लें, बहुत फाइन क्वालिटी की प्लास्टिक यूज़ हुई हुई है, मज़बूत किस्म की है, जल्दी ख़राब होने वाली नहीं है। बेस की अगर बात की जाए तो इसमें भी लचकदार बेस है, प्लास्टिक सॉरी मेड ऑफ रबर है, ताकि अगर कहीं पे टकरा भी जाएं, क्योंकि लेंथ में लंबे हैं, थोड़े बहुत टकरा भी जाएं तो इनको कुछ भी होने वाला नहीं है। और इनको भी अभी हम लोग चला के देखते हैं। ये भी रनिंग इंडिकेटर होते हैं जैसे ऑडी स्टाइल में रनिंग वाले इंडिकेटर होते हैं, ये भी वही वाले हैं लेकिन विद DRLs हैं। तो चलिए अब इनको चला के देखते हैं कि ये वर्क कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं इसका DRL ऑन। और ये DRL हमने ऑन कर दिया, आप देख सकते हैं वाइट कलर का इसका DRL है, बहुत खूबसूरत लगता है। और इसके बाद हम लोग करते हैं इसका इंडिकेटर ऑन। तो इंडिकेटर ऑडी स्टाइल में रनिंग शुरू कर दी है इंडिकेटर ने। अगर हम लोग इसकी दोनों चीज़ें ऑन करें तो ये पहले DRL ऑन किया और इसके साथ इंडिकेटर ऑन किया, तो आप इसकी लुक देख सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट किस्म की लुक होती है, बहुत खूबसूरत लगती है। आप किसी भी बाइक में इसको लगा सकते हैं, क्योंकि लेंथ वाइज लंबा है तो आप इसको 70 cc से ले कर 150-200 cc तक के बाइक में आसानी लगा सकते हैं। बड़े से बड़े बाइक में भी ये खूबसूरत लगेगा। लोग आप ख़ुद इसकी देख सकते हैं, ख़ास तौर पे रात का टाइम जो होता है, रात के टाइम में और ज़्यादा इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। बात की जाए प्राइस की तो ये वाले इंडिकेटर जो हैं आपको मिलेंगे 700 का पेयर। एक जोड़ी आपको यानी कि दो इंडिकेटर 700 रुपये में मिलेंगे। अगर आपको चार इंडिकेटर्स चाहिए तो ये आपको पड़ेंगे 1400 रुपये में। नेक्स्ट जो मैं आपको इंडिकेटर बताने जा रहा हूँ वो है मोस्ट फेमस
ऑडी इंडिकेटर्स। ऑडी इंडिकेटर जो सिंपल, बहुत सारे दोस्त हमारे होते हैं उनको सिंपल सिंपल चीज़ें पसंद होती हैं, वो कहते हैं बहुत ज़्यादा शोर शाना हो, DRL वगैरह भी नहीं चाहिए होता, तो उनके लिए ये ऑडी इंडिकेटर्स हैं। और मज़े की बात ये कि ये कंपनी भी HJG है, जो आप सबकी जानी पहचानी कंपनी है। अच्छी से अच्छी लाइट के ऊपर अगर आप कंपनी देखेंगे तो वो HJG की ही होगी। तो ये हाई क्वालिटी ऑडी इंडिकेटर्स हैं और बिल्कुल सिंपल सी इनकी लुक होती है, बिल्कुल एक पतले बारीक किस्म के होते हैं और ये भी मेड ऑफ होते हैं प्लास्टिक, लेकिन प्लास्टिक जो होती है इनकी भी हाई क्वालिटी की होती है। मैं इनको अलग-अलग कर लेता हूँ, दोनों आपस में बाइंड हुए हुए हैं, ये मैंने अलग-अलग कर दिए। अभी मैं अगर आपको इनका क्लोज़अप लुक दिखाऊँ तो बिल्कुल स्लिम स्मार्ट किस्म के ये इंडिकेटर्स होते हैं और इसके अंदर काफ़ी सारी LEDs जो हैं एक ही लाइन में लगी हुई होती हैं। और ये अगर आप इसको इस तरह मूव करके देखें तो इनमें बहुत ज़्यादा लचक होती है, यानी कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे टकरा जाए तो टूटने वाला काम इसमें नहीं होगा। तो चलिए अब इनको हम लोग चला के भी देखते हैं कि ये चलने में कैसे लगते हैं। चलिए तो अब इन इंडिकेटर्स को हम लोग चला के देखते हैं कि ये चलते कैसे हैं। ये इस वक्त मैंने इनकी लाइट ऑन कर दी है और आप देख सकते हैं ये एक रनिंग स्टाइल में चलना शुरू हो गए हैं। जैसा कि मैंने बताया था, बिल्कुल स्लिम स्लिम इंडिकेटर होते हैं लेकिन इनकी लाइट इतनी तेज़ होती है कि दिन की रोशनी में भी आप देख सकते हैं। कैमरे में तो आपको शायद सही नज़र ना आ रही हो लेकिन इसकी लाइट की आपको पावर का अंदाज़ा हो रहा होगा, बहुत तेज़ लाइट होती है, दिन को भी बहुत दूर से नज़र आती है और रात की तो इसकी बात ही और होती है। बात करते हैं कुछ प्राइस की, तो ये वाले इंडिकेटर आपको अवेलेबल होंगे 550 रुपीज़ में एक पेयर, और अगर जोड़ी लेनी हो तो आपको 1100 में ये पेयर मिल जाएगा। डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। आज के नेक्स्ट इंडिकेटर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बड़े मज़े के इंडिकेटर हैं, छोटे छोटे हैं और जैसे YBR के मिरर्स होते हैं बैक साइड से देखने में वैसे ही लगते हैं जैसे छोटे छोटे से मिरर्स हों, लेकिन अगर आप इनकी फ्रंट साइड देखें तो ये होते हैं LED इंडिकेटर्स। और मज़े की बात ये कि ये आते भी मेटल बॉडी में हैं, मेटल में ये इंडिकेटर्स होते हैं और अंदर इसके अच्छी खासी LEDs लगी होती हैं। मैंने गिनी तो नहीं है लेकिन 10-15 LEDs इसके अंदर होती हैं, तो साइज़ में भी बहुत छोटे होते हैं और इसको लोग किसी भी बाइक के साथ लगा सकते हैं लेकिन ज़्यादा कैफे रेसर के साथ लगाना पसंद करते हैं क्योंकि साइज़ में छोटे होते हैं, तो बाकी आप 70, 125 या इवन बड़े बाइक के साथ भी बासानी लगा सकते हैं। तो अभी मैं आपको चला के बताता हूँ, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये इस वक्त जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर है, इसमें ऑरेंज कलर भी आपको मिल जाएगा और इसमें आपको ब्लैक कलर भी मिल जाएगा। अंदर LEDs का कलर एक ही होता है लेकिन बॉडी जो है, बॉडी कलर इनका इंडिकेटर्स का वो डिफरेंट होते हैं। तो चलिए आपको चला के दिखाते हैं कि ये वर्क कैसे करते हैं। चलिए तो इन इंडिकेटर्स को हम लोग ऑन करते हैं और ये आप देख सकते हैं वाइट कलर की LED इसमें जल चुकी है, 12 LEDs इसके अंदर लगी होती हैं, अभी मैंने गिनी है, यानी पूरी एक दर्जन LEDs होती हैं और लाइट इनकी अच्छी खासी तेज़ है। तो मैं अभी आपको बताता चलूँ कि ये तो डायरेक्ट बैटरी के साथ लगाई है, इस वजह से स्टिल लाइट जल रही है, जिस वक्त आप अपने बाइक के साथ लगाएंगे तो फ्लैशर की वजह से कुछ इस तरीके से ब्लिंक करेगी। तो अगर हम लोग इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस भी इसकी दूसरों के मुकाबले में बहुत नॉमिनल सी है, 320 रुपीज़ में आपको पेयर मिलेगा, 320 रुपये की जोड़ी है। हालांकि ये मेटल इंडिकेटर्स हैं लेकिन फिर भी आपको 320 रुपये में जोड़ी मिलेगी। अगर आप चार लेना चाहें तो आपको 640 रुपये में चार इंडिकेटर्स अवेलेबल होंगे। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आज के इंडिकेटर्स आपको पसंद आए होंगे। जो भी इंडिकेटर पसंद आया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसके अलावा आप क्या चीज़ देखना चाहते हैं आप हमें बताएंगे तो हम लोग वो चीज़ कोशिश करेंगे आपके लिए लेके आएँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, बेल का आइकन दबाएंगे तो आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। तो फेसबुक इंस्टाग्राम पर तो उम्मीद है आपने हमें फॉलो कर लिया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।